यूट्यूब चैनल ग्रीन ट्यूब्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले दिन कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक की टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो एनालिसिस पे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कैश, कमोडिटी, ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री में मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ। सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा सपोर्ट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले दिन के लिए मैंने फिर से दो स्टॉक सेलेक्ट किया। पहला स्टॉक है टाइटन। टाइटन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, टाइटन के बारे में अगर चर्चा करूँ तो टाइटन में मुझे एक ट्राइंगल पैटर्न देखने को मिला। लोअर सपोर्ट लेवल को देखिए और अपर रेजिस्टेंस लेवल को देखिए, इन दोनों लेवल को मिला के एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर जनरेट हुआ। लेकिन फाइनली स्टॉक अभी ट्रायंगल पैटर्न को आज की डेट में ब्रेकआउट करते हुए, आज आप लोगों ने देखा निफ्टी 200-250 पॉइंट पॉजिटिव में था, बैंक निफ्टी 900 पॉइंट से ज़्यादा पॉजिटिव में था, सेंसेक्स भी नियर 1000 पॉजिटिव में था, और मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल था आज। और आज के इस हाई वोलेटाइल मार्केट में सारे स्टॉक में काफ़ी सारे अप मूवमेंट देखने को मिला, और हाई वोलेटाइल के कारण आज मैक्सिमम ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हुआ है ट्रेडर का। ये एक मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कहता कि सबका स्टॉप लॉस हुआ है, मेरा एक अनुमान हुआ है, अनुमान है। तो ऐसी मार्केट में ही स्टॉप लॉस होता है क्योंकि हाई वोलेटाइल जब होता है। तो आज के डेट में जो है हाई वोलेटाइल में इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करते हुए ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर क्लोज हुआ और ऊपर की तरफ काफी लंबे समय तक रेंज बाउंड में ट्रेड किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अभी ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया, तो ट्रायंगल पैटर्न अभी हमारे लिए एक नीचे का जो लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया है। तो अगले दिन इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो उसके नीचे हम पोजीशन बनाएंगे, तब जाके हमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर जो अभी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो इसके ऊपर हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, तब जाके हमें ऊपर की तरफ एक उछाल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका बाय एंट्री लेवल और सेल एंट्री लेवल देख लेते हैं टाइटन का। और आज मैंने अपने एक क्लाइंट को कौन सा कॉल प्रोवाइड किया, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करके दिखाऊंगा परफॉर्मेंस गया था, किसमें टारगेट हुआ, किसमें स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। तो चलिए, टाइटन का फ्रेंड्स बाय एंट्री लेवल रहेगा 106.70, 106.70 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 112, 118 एंड 129। सेलिंग पोजीशन अगर हम सेल करते हैं तो 1095.60 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट रहेगा 1089.80, 1083.33, 1073.13। तो फ्रेंड्स, अगर बाय एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो सेल एंट्री लेवल स्टॉप लॉस होगा, और अगर सेल एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो बाय एंट्री लेवल स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमने सिलेक्ट किया सिप्ला। सिप्ला को भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिप्ला में भी हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, सिप्ला में भी हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला। लोअर लेवल को देखिए फ्रेंड्स, जो सपोर्ट का काम कर रहा था और स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए पूरी तरीके से मदद कर रहा था, यानी एक सपोर्ट दे रहा था, और ऊपर की तरफ हमें एक अपर लेवल मिला है रेजिस्टेंस लेवल का, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और आज के डेट में हमने देखा कि ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया, ट्रायंगल पैटर्न को पहले का 1, 2, 3, 4, ये चार कैंडल ब्रेकआउट किया था लेकिन स्टेबल नहीं हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार कैंडल ब्रेकआउट किया लेकिन स्टेबल नहीं हुआ। फिफ्थ जो कैंडल है ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर सस्टेन किया, और अभी हमें ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल मिला है जो प्रीवियस डे की हाई लेवल था। तो फ्रेंड्स, अगले दिन की प्रीवियस डे की हाई लेवल जो रेजिस्टेंस है और आज की डेट में सेम जगह पे क्लोज हुआ है, तो अगले दिन इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं रेजिस्टेंस लेवल को, तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे, तब जाकर हमें एक ऊपर की तरफ उछाल देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, जो रेजिस्टेंस, जो ट्रायंगल पैटर्न का लो अपर लेवल जो अभी सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसके नीचे हम सेलिंग पोजिशन बनाएंगे, तब जाकर हमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका बाय एंट्री लेवल और सेल एंट्री लेवल देख लेते हैं। आज की डेट में सिप्ला और टाइटन दोनों का एनालिसिस कुछ हद तक बराबर है। तो चलिए, आज मैंने अपने क्लाइंट को कौन सा कॉल प्रोवाइड किया और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये कि मेरे क्लाइंट ने 7,715 रुपए का प्रॉफिट किया था, ये स्क्रीनशॉट सेंड किया था, ठीक है। चलिए, आज मैंने जो कॉल प्रोवाइड किया 26,800 पुट सेल थर्ड टारगेट डन, 20,000 कॉल सेल स्टॉप लॉस सेल हिट 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी फ्यूचर थर्ड टारगेट डन, 26,500 पुट सेल सेकंड टारगेट डन। तो आज मैंने तीन ऑप्शन कॉल प्रोवाइड किया, दो ऑप्शन कॉल टारगेट हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी फ्यूचर टारगेट हुआ। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो हमें मिल जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स,
आज एशियन पेंट फ्यूचर स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो फ्रेंड्स आज के डेट में एशियन पेंट स्टॉप लॉस हिट हुआ, इतना ज्यादा वोलेटाइल था कि हिट हो गया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर टारगेट हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब स्टॉप लॉस हिट। और ऑप्शन में तीन कॉल में से एक कॉल में स्टॉप लॉस हिट हुआ 24 पॉइंट का, तो ये दो कॉल स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद एक्सिस बैंक थर्ड टारगेट डन, टाटा केमिकल फर्स्ट टारगेट डन। उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया, एक्चुअली थर्ड टारगेट इसका भी हुआ है, जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो बुक कर लेते हैं। कोटक बैंक फ्यूचर सेकंड टारगेट डन, ये भी लगभग ऑल टारगेट डन हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया, क्योंकि ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया। निफ्टी फ्यूचर थर्ड टारगेट डन। तो फ्रेंड्स आज निफ्टी फ्यूचर टारगेट हुआ है, बैंक निफ्टी फ्यूचर टारगेट हुआ है। उसके बाद दो ऑप्शन कॉल प्रोवाइड किया था, तीन ऑप्शन कॉल प्रोवाइड किया, दो ऑप्शन में प्रॉफिट मिला, एक में लॉस हुआ और एशियन पेंट फ्यूचर में स्टॉप लॉस मिला है। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे तो आज तक ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सिप्ला का बाय एंट्री लेवल और सेल एंट्री लेवल देख लेते हैं। सिप्ला अगर हम बाय करते हैं तो 469.30 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट रहेगा 471.56, 474.18, 478.29। और अगर हम सेल करते हैं तो टारगेट रहेगा 464, सेल करेंगे 464.70 के नीचे, टारगेट रहेगा 462.43, 459.81, 455.70। तो फ्रेंड्स अगर बाय एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो सेल एंट्री लेवल स्टॉप लॉस का काम करेगा, और अगर सेल एंट्री लेवल एग्जीक्यूट होता है तो बाय एंट्री लेवल स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जो मैंने पिछले दिन जो मैंने कॉल प्रोवाइड किया था, मतलब कि जो मैंने डिस्कस किया था, एक्सिस बैंक गैप अप में ओपन हुआ, लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, काफी ऊपर ओपन हुआ था, और सन टीवी जो है सन टीवी स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज के डेट में। तो अब तक मैंने करीबन 1050 के ऊपर कॉल प्रोवाइड किया, नियर अबल 40 स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फ्रेंड्स अब तक मैंने अपने यूट्यूब में दो साल में 1050 अब आप कॉल प्रोवाइड किया और अब तक 40-42 कॉल में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आज मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल था और हाई वोलेटाइल के कारण स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट होके टारगेट हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट मतलब स्टॉप लॉस हिट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना से, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।